Good morning, kids. How are you all? I hope that you all are fit and fine. Kids, today I am going to teach you Hindi. Kids, today in Hindi you all will do this worksheet. Kids, आपको इस वर्कशीट में क्या करना है? आपको इस वर्कशीट में चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे करने हैं. क्या करना है आपको? बच्चों, ये जो चित्र दे रखे हैं और ये वाक्य दे रखे हैं, आपको क्या करना है? इन चित्रों की सहायता से, मतलब इन चित्रों की मदद से, इन वाक्यों में जो डैश दे रखे हैं, ब्लैंक दे रखे हैं, उसको आपको पूरा करना है. ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है? ये जो चित्र हैं, ये चित्र जो दे रखे हैं, इनकी हेल्प से क्या करना है? ये जो वाक्य दे रखे हैं, काला डैश ला, तो ये जो डैश है, इस डैश में क्या आएगा वो आपको फिल करना है. तो चलिए बच्चों, करना शुरू कर दें. बच्चों, पहला चित्र किसका दे रखा है? छाता का. किसका? छाता का. और इसने क्या वाक्य लिखा है? का आ की मात्रा, ला आ की मात्रा, काला डैश ला. तो हमें क्या करना है? जो चित्र है उसका नाम यहाँ लिखना है. तो काला छाता ला, क्या ला? छाता. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? छा आ की मात्रा, ता आ की मात्रा, छाता ला. बच्चों, हमें क्या करना है? हमें इस चित्र की सहायता से ये वाक्य को पूरा करना है. तो देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं, हमें डैश दे रखा था वाक्य के बीच में. हमें जो ये चित्र है वो बीच में उसका नाम आएगा. तो क्या हो गया? का आ की मात्रा, ला आ की मात्रा, काला छाता ला. क्या सेंटेंस बन गया? ये वाक्य क्या बन गया? काला छाता ला. ऐसे ही बच्चों, दूसरा वाक्य, राम डैश खा. राम डैश खा, और चित्र किसका दे रखा है? गाजर का. तो यहाँ क्या आ जाएगा? राम गाजर खा. जो चित्र दे रखा है बच्चों, वही उसका नाम आएगा यहाँ पे. तो हमें उसी की चित्र की सहायता से ही, जो चित्र है उसी की सहायता से वाक्य पूरा करना है. तो ये क्या दे रखा है बच्चों? गाजर. तो राम गाजर खा, क्या आ जाएगा यहाँ पे? गाजर. तो गा आ की मात्रा, जा रा जर, गाजर. राम गाजर खा. बच्चों, नेक्स्ट चित्र दे रखा है टमाटर का, और क्या लिखा है? ला आ की मात्रा, ला लाल डैश खा, आ की मात्रा खा, लाल डैश खा. हमें क्या करना है बच्चों? चित्रों की सहायता से वाक्य पूरा करना है. तो ये टमाटर का चित्र दे रखा है, तो हमारे इस डैश में क्या आएगा? टमाटर. लाल टमाटर खा, क्या खा? लाल टमाटर खा. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? टमाटर. टा मा आ की मात्रा, टा रा टर, टमाटर. बच्चों, हमें क्या करना है इस वर्कशीट में? इस वर्कशीट में देखिए हमने क्या करा. आप देख सकते हैं, हमने ये जो चित्र दे रखा था उसको डैश में लिख दिया. हमें क्या करना है? इसी चित्र की मदद से जो डैश है उसमें से डैश में शब्द डाल के वाक्य को पूरा करना है. जैसे कि डैश में हमने क्या डाल दिया? टमाटर, क्योंकि टमाटर का चित्र था, और सेंटेंस भी हमारा, शब्द भी सही, वाक्य भी हमारा सही बन रहा है, लाल टमाटर खा. नेक्स्ट बच्चों, हमारा वाक्य क्या दे रखा है? डैश माता मत पाकाड़ा पकड़, डैश मत पकड़. और हमें चित्र में क्या दे रखा है? तलवार. तो वो क्या कह रहा है? तलवार मत पकड़, क्या मत पकड़? तलवार. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे डैश में? तलवार. हमने इस चित्र की मदद से इस डैश में जो वाक्य में जो शब्द आना था वो पूरा कर दिया. क्या है ये? क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? तलवार. ताला व अ की मात्रा रहा तलवार. तो क्या हो गया? तलवार मत पकड़. नेक्स्ट बच्चों, क्या दे रखा है? र आ की मात्रा, धा आ की मात्रा. क्या दे रखा है? र आ की मात्रा, धा आ की मात्रा, राधा डैश पहन, पहना पहन. और चित्र किसका दे रखा है? माला का. तो वो क्या कह रहा है? राधा माला पहन, क्या आ जाएगा यहाँ पे? माला. तो माला की स्पेलिंग क्या होती है? मा आ की मात्रा, ला आ की मात्रा, माला. सो किड्स, आप इसी तरीके से चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे करे वाली वर्कशीट अपनी हिंदी कॉपी पे करेंगे. थैंक यू किड्स.